YouTube, what's up? मैं हूँ आपका दोस्त ब्लॉगर इंसान और राघव, और आज हम लोग जा रहे हैं खैरी के माता दर्शन करने के लिए। और आज नवरात्रि का सातवां दिन है, और अभी तक हम लोग जितनी भी जगह गए हैं वो ज़्यादातर MP ही हैं। और अभी आप जैसे कि देख सकते हैं बाहर, हम लोग अभी झांसी के पास पहुँच चुके हैं। चलिए आपको मैं वहाँ पहुँच कर मिलता हूँ। हेलो गाइस, फाइनली 2.5 घंटे के सफर के बाद हम लोग इधर पहुँच चुके हैं। बस अब इधर इधर उतर रही है, मेरी भाई लोग सामान वामान उतार रहे हैं, और अभी हम लोगों की जाने की तैयारी हो रही है। देखो कि आप देख सकते हैं हम लोग 4-व्हीलर से आए हैं। हाँ, हम लोग 4-व्हीलर से आए हैं, और दूर से तो काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, बिकॉज ऑफ हम लोग पार्क करने आए थे इधर गाड़ियाँ, और काफ़ी भीड़ दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या हम लोग अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। मुझे लग तो रही है भीड़, अब क्या पता मंदिर में होगी या नहीं होगी, क्योंकि आज सातवां दिन है नवरात्रि का, तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं भीड़ होगी कि नहीं होगी। और अब चलिए, अब हमारी दादी जी ने बताया है कि एक जगह से जीने कम है, तो अब हम लोग उधर ही से जाएंगे। और अभी हम लोग रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, रोड क्रॉसिंग करेंगे फ्रेंड्स। इतनी गाड़ी देखी आप लोग, अच्छे से अब हम लोग जा रहे हैं। बहुत मतलब कि भीड़ दिखाई दे रही है अभी तक। इधर भंडारा भी हो रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर भंडारा भी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत हार्ड होगा, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर लेंगे सारा कुछ प्रदर्शन। इधर से आई थिंक सो पैदल है रास्ता, मुझे याद आ गया मैं पहले भी इधर आ चुका हूँ। बहुत अच्छा मंदिर है ये, मैंने दर्शन भी किए हैं इसके। अब काफी भीड़ दिखाई दे रही है इधर, और अब हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं ऊपर माता के पास, और इधर काफी भीड़ है। चलिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर में। अब इधर बहुत हार्ड है, चलिए अब हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मेरी फैमिली ने भंडारा किया था, इसलिए अब हमको जाना पड़ा था मिलने के लिए। अब हम लोग जा सकते हैं, और भी सीढ़ियाँ बची हैं, और हम लोग फाइनल टॉप पर आ चुके हैं। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, हद से ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि आप दर्शन हम लोगों को अच्छे से करने के लिए मिलेंगे, काफ़ी भीड़ है, और इतनी भीड़ हम दर्शन कभी नहीं कर सकते। सामने वाली गेट से चलाओ। चलिए हम लोग ऐसे के अंदर आ रहे हैं, हम लोगों को स्पेशल एंट्री मिल चुकी है। काफी अच्छी दरबार सजाए है माता का, काफी अच्छी मूर्ति सजी है। VIP एरिया की वजह से अब हम लोगों को जाने सकते हैं। फ्रंट गेट पे कितनी भीड़ है, फ्रंट गेट पे क्योंकि हम लोगों को VIP मिल गया था, बिकॉज ऑफ हम लोग बाहर से आए हैं, और हम लोगों ने पंडित जी से कह दिया था, इसलिए हम लोग VIP मिल चुका है। और हम लोग वापस जा रहे हैं, बड़ा अच्छा है ये, कुछ
से मुझे शूल है और अब हम फाइनली बाहर आ चुके हैं। बड़ा अच्छा मंदिर था वैरी माता। अब हम लोग जा रहे हैं फैमिली के अंदर। ठीक है, अब जैसे कि अब हम लोग इधर हैं, इधर काफ़ी अच्छा नज़ारा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी दूर तक नज़ारा है इसका, बहुत अच्छा नज़ारा है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा लग रहा है। और ब्लॉगर राघव के साथ बढ़िया ब्लॉग है और बढ़िया नज़ारा भी है घर का। सब हम लोग अपने दादाजी से पूछेंगे कि मतलब माता का दरबार मतलब कैसा था, कितना सुंदर था। दादाजी बताइए माता का दरबार कितना सुंदर अच्छा सजा था। जय माता दी। माता का दरबार का तो कोई जवाब नहीं, बहुत शुद्ध स्थान है, यहाँ पर जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी माता हमें पूर्ण करती है। और ये स्थान जो है बहुत पुराना स्थान है और यहाँ पर बड़ी तरक्की हो रही है, जो हमारे भाई के आनंद वस्तुने का विशेष यहाँ पर लगाव है, माता रानी की उनके ऊपर विशेष कृपा। हाँ, जैसे कि आपने सुना है, अब आप लोगों को भी मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि प्लीज़ इधर आइए, बहुत अच्छी प्लेस है। देखिए दूर दूर तक मतलब के पहाड़ दूर दूर तक। और ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग नदी की साइड जा रहे हैं। इधर चलिए नदी की साइड, अब हम लोग नदी की साइड जा रहे हैं, देखते हैं कितनी गहरी है नदी। थोड़ा अर्पण अर्पण हो रहा है जल अल, पर काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, देख सकते हैं आप, जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी बड़ा मंदिर है ये और इसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अभी हम लोग आपको नदी भी दिखाने वाले हैं। इधर नीचे जाना मना है नदी में, बिकॉज ऑफ पानी बहुत गहरा है इसलिए। और आप लोग देख सकते हैं ये कुछ सीढ़ियाँ लगी हैं, इधर से आप नीचे भी जा सकते हैं नहाने के लिए, बट कितना अच्छा है। काफ़ी अच्छा है दृश्य, आप लोग हमें बताइए। इधर भी कुछ हैं, देखिए ये डुबकी उबकी मार रहे हैं, नहा रहे हैं काफ़ी। ये बहुत गहरी नदी है, आप देख सकते हैं आप कितना मस्त दृश्य है। और ये पता चला है मेरे भाई से कि ये कुंड पहले पूरे दिखते थे, ये बहुत ज़्यादा गहरी नदी है, ये पहले बहुत पूरे दिखते थे और अब आधे दिखते हैं। चलिए इधर से हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। काफ़ी अच्छा मंदिर था और मतलब प्रसिद्ध मंदिर है उन्नाव का, बालाजी। और अभी बहुत चीज़ें हैं, अभी हम लोग इधर बैठेंगे थोड़ी देर, बिकॉज ऑफ मंदिर में कहीं नहीं जाते हैं, थोड़ी देर तो बैठना चाहिए। चलिए अब जैसे कि जाने की हो चुकी है और मतलब कि हम आपको दूरी से दिखा देते हैं। और अभी इधर भीड़ है इसलिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और इधर अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, इधर कुछ ऐसी भीड़ नहीं है बट सुबह का समय है इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा, भीड़ भी नहीं है। बट इनके यहाँ रविवार के यहाँ इधर भीड़ रहती है। और हम लोग चल लेंगे, इधर मूर्ति भी रखी है देवी जी की, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए
वाओ, कितनी सुंदर मूर्ति है। जैसे कि अब आप लोगों ने देखा कितनी सुंदर मूर्ति थी, वो कितनी सुंदर मूर्ति थी। अब चलिए, ये आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, हम लोग दूसरे मंदिर में आ चुके हैं और हम लोग इधर के दर्शन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सूर्य देवता की मूर्ति, चंद्र देवता की मूर्ति, और अब हम लोग अंदर और जाएंगे। और मूर्तियां हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बाहर आपको और चीज़ें भी दिखाएंगे, इधर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं, इतना वो हो चुका है। अब हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं और काफी मतलब अच्छा है। ये देवी जी की मूर्तियां हैं। बहुत से वस्त्रों में कहते चले तू, काफी अच्छी मूर्तियां थी। और हम लोग और चलेंगे। देखिए कितना बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा। उधर भी देखिए, काफी लंबा भी मंदिर है, बहुत ज्यादा, काफी टॉप क्लास मंदिर है।